नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबक स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय पत्रकार सम्मेलन का कोरोना संबंधी जानकारी करेने मुख्य प्रसंग सा। देश भर कोरोना वायरस के 86,999 गोटे के परीक्षण कैल गल। शुक्र दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत देने जानकारी अनुसार संख्या आरडीटी आ पीसीआर दुनू मार्फत कैल गेल परीक्षण के रहला। तहिना प्रवक्ता डॉक्टर देवकोटा देश भर 23,914 के पीसीआर परीक्षण केने अछि त 63,085 के आरडीटी परीक्षण केने छथि। पछिला 24 घंटा में 2,800 नमूना परीक्षण कैल गेल अछि त देश भर क्वारंटाइन में रहलक संख्या 15,683 रहल। आइसोलेशन में रहल के संख्या 237 रहल। जाय मध्य उपत्यका में 27 आ उपत्यका बाहर 240 गोटे रहल। अहिना शुक्र दिन धर देश भर संक्रमित के संख्या 258 पुगल सल। कुल संक्रमित मध्य 210 गोटे पुरुष आ 48 गोटे महिला रहल। शुक्र दिन मात्रे थप 9 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। प्रवक्ता देव कोटा के कहब रहला छ 758 टेस्टहरु भएका छन्। यसरी गत 24 घंटा में थप 2,008 परीक्षणहरु भएका छन्। प्रादेशिक विवरण हामीलाई आरडीटी विधिबाट गरिएका नमूना परीक्षणहरुको बारेमा प्राप्त भएको छ। सो अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 8,933, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,982, त्यसैगरी बागमती प्रदेश में 9,673, गण्डकी प्रदेश में 6,862, प्रदेश नम्बर 5 मा 7,971, कर्णाली प्रदेश में 7,307 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 16,357 गरी कुल 63,085 नमूना परीक्षण आरडीटी विधिबाट सम्पन्न भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज जम्मा 9 जनामा थप पोजिटिभ देखिए पश्चात कुल संख्या 258 पुगेको छ। उहाँहरूमध्ये मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुष र जसको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो, त्यसै गरी बाँकेका 8 जना 18 वर्षदेखि 36 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। कुल संक्रमित केसहरूमध्ये पुरुषहरू 210 जना र महिलाहरू 48 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार कुल 24 जिल्लामा संक्रमित व्यक्तिहरू रहनु भएको छ। उहाँको एड्रेसहरू थाहा छ। प्रदेश नम्बर 1 का 35, प्रदेश नम्बर 2 का 100, बागमती प्रदेश का 13, गण्डकी प्रदेश का 3, प्रदेश नम्बर 5 का 102 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश का 5 जना गरी कुल 258 जना संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। अखन धन कोरोना संक्रमण से निक भक घर गेल सबक संख्या 36 रहल। घर गेल कुल 36 गोटे मध्य 3 गोटे में पुनः कोरोना संक्रमण देखल गेलाक बाद अस्पताल में भर्ना कराओल गेल सल। नेपाल में पहिल बेर गत माघ 10 गते चीन से आयल एक 32 वर्षक नेपाली नागरिक में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल सल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संघीय सांसद के संयुक्त बैसार में आगामी आर्थिक वर्षक लेल नेपाल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कैलक। संघीय सांसद के दोनों सदन के संयुक्त बैसार में ओ सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केने छथि। ऐस आगा राष्ट्रपति भंडारी के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आगामी आर्थिक वर्षक लेल नेपाल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम के प्रति हस्तांतरित केने छल। संविधान बमोजिम हरेक वर्ष जेठ 15 गते आगा आर्थिक वर्ष के बजट प्रस्तुत होवे लगला से ओय के 2 हफ्ता अगाड़ी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक अभ्यास रहल। ऐसा आगा सांसद पूर्व बजट छलफल भ चुकल छथि। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सांसद भवन पुगल राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के प्रतिनिधि सभाक सभामुख अगीर प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना,
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे लगाए स्वागत केने छलथि। व्याह अवसर में राष्ट्रपति के भंडारी सम्मान में सलामी सेहो देल गेल छल। लुका छुपा के सीमा नाइन के आव जाए के क्रम नहीं रोकला के बाद महतरी जिला के भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में घेरवार लगाव शुरू कल गए। जिला के भारत से सीमा जोड़ल 38.6 किलोमीटर दूरी भीतर से होब वाला आगमन के नियंत्रण कर घेरावार लगाव शुरू कल गए। जिला प्रशासन कार्यालय महतरी देने जानकारी अनुसार सीमा क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी तैनात करके आगमन रोक प्रयत्न भेलो पर दुनू दिस एक दोसर संग जोड़ल बस्ती बीच के आव क्रम नहीं रोकल बाद बांस के फट्टा अन्य काठ के प्रयोग करके घेराबर लगाव काज शुरू कल गए। जिला मटिहानी जलेसर आ मनरा सिसवा नगर पालिका एवं एक डारा शमसी आ सोनमा सहित के 6 पालिका के सीमा भारत संग जोड़ल भारत दिस सीमा क्षेत्र संग मधुबनी आ सीतामढ़ी जिला सेहो रहल। मधुबनी आ सीतामढ़ी में COVID-19 के संक्रमण बढ़त गेल भारत रेल सेवा संचालन केने संगे एत नुका छुपा के आव के संख्या बढ़ल गल के बाद जानकारी होब लगते घेराबार शुरू के काज कल गल। टुडे समाचार में छोट छिन व्यावसायिक विश्राम। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरु छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरु छन्। सफलताको बाटो हिड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिडौ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा, ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौ न बसौ। अनि वहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। ए ए ए, कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए ए, नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउ कि कुन चाहिँ वाला? जीवन को हरे मोड मा छ सीरियस स्ट्राइकर ले दिन्छ सुपर कम्फर्ट को आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर टीवीएस स्ट्राइकर ले दिन्छ 65 किलोमीटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टीवीएस स्ट्राइकर को सुपर स्टाइल ले सारा संसार को आँखा हुन्छ म माथि नै। टीवीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर, आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में कार्ड लगा पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाओ छुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो।
मन पर्ने सिंगर बोल्न आएको थियो त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्याप्पी टु किप यु कनेक्टेड आज भोलि सधैँसँगै। छोटछिन व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत छ बाँकीको समाचार। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समिति कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लॉकडाउन के कड़ाई करते जेठ 5 गते बाद निरंतरता देव तैयारी कलक सिंहदरबार में शुक्र दिन बैसल समिति बैसार कोरोना के वर्तमान अवस्था बारे में स्वास्थ्य कर्मी लगात विज्ञ सब संग छलफल करते कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लॉकडाउन के प्रभावकारी रूप में निरंतरता देव तैयारी कलक। कोरोना प्रभावित नई भेल क्षेत्र में लॉकडाउन में किस कमजोरी बनावत तहिना कोरोना प्रभावित क्षेत्र में थप कड़ाई कर आ जेठ 5 गते बाद से निरंतरता देव विषय में छलफल भेल समिति के प्रवक्ता एवं मंत्री परिषदक कार्यालय के सचिव नारायण प्रसाद बिडारी जानकारी देने छथि। बैसार लॉकडाउन आगा नेपाल आयल जापान में काज करनिहार 600 नेपाली सबके चार्टर विमान से जापान पठाब निर्णय कलक वहक लेल कामदार सब चार्टर विमान के व्यवस्था कर पड़ता तहिना लॉकडाउन आगा नेपाल आयल हांगकांग आईडी वैक नागरिक सबके से हो फिरता जाय देव निर्णय के ने बिराडी के कहब रहल छल। जिलामा तालिम अध्ययन लगायत का सिलसिला में जापान में रही रहनु भएका र तत्काल नेपाल आएर बस्नु भएका र अहिले फेरि जापानै जान चाहनु भएका करिब 600 जति विद्यार्थी तथा जापानमा रहनु भएका नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई आवश्यक जाँच परीक्षण र अध्यागमन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चार्टर फ्लाइटबाट जापान फिर्ता जान अनुमति दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी हङकङ आइडी प्राप्त भएर वर्किङ पर्मिट पाएर हङकङमा बसिराख्नुभएका तर हाल नेपाल आइपुग्नुभएका, हाल भन्नाले यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अगाडि नेपाल आएर लकडाउनमा पर्नुभएका नागरिकहरू व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया अध्यागमनका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चार्टर फ्लाइटबाट हङकङ फिर्ता जाने दिने फिर्ता समिति शुक्र दिन कोरोना भाइरस कोविड-19 संक्रमण के संभावित जोखिम आ लॉकडाउन केना व्यवस्थित बनाए कहत जन स्वास्थ्य विज्ञ लगाए सब संग छलफल केने छल। लॉकडाउन शुरू कर आगा के तुलना में सरकार के तैयारी निक रहल मुदा ई पर्याप्त नै भेल विज्ञ सब के कहब रहल छल। सरकार कोरोना भाइरस के कारण नेपाल भीतर किनको मृत्यु होव जेहन अवस्था आव नै देव जिकिर केने छथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी शुक्र दिन संघीय सांसद के संयुक्त बैसार में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करत कोविड-19 संग मृत्यु होव जेहन अवस्था आव नै देव सरकार ओय के लेल तैयारी कई रहल जिकिर केने छथि। तहिक लेल सरकार कोरोना संक्रमण के परीक्षण व्यापक बनेबाक दवाई उपकरण आ चिकित्सक लगाए स्वास्थ्य कर्मी के पर्याप्त व्यवस्था आ परिचालन करबाक राष्ट्रपति भंडारी के कहब रहल छल। ओ संघ के 300 के अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण कराब आ नीति रहल जिकिर सेहो केने छथि। संघ आ सातु प्रदेश में सर्वारोग अस्पताल निर्माण करबाक हुनकर कहब रहल छल त सब स्थानीय तह में 500-1500 के अस्पताल बनाब लागल छथि। सब अस्पताल के स्थानांतरित कराब नीति सरकार के रहल सेहो जिकिर केने छथि। र शारीरिक व्यायाम सहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट 3 अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा
सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ भयो। महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणके मूल जिम्मेवारी सहितके एनसीडीसी स्थापना करवाक ओ जिकिर केने छथि। व्यस्त टुडे समाचार अभिके लेल एतबा, कोनो दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन धरिके लेल हम सपना विदा मंगसी। देखत रही टीवी टुडे। नमस्कार।